Look out, here she comes, the woman that I love. Good morning. Good morning. क्या हाल चाल है? बस यार बढ़िया, आप सुनाइए, आप सब लोग कैसे हैं? बड़ी चमक दमक रही हो, कहाँ की तैयारी हो गई है? कुछ नहीं यार, शादी पे जाना है तो छोटा मोटा कपड़े वपड़े तो हैं, बट रिदा के लिए जैसे मुझे लेगिंग्स वगैरह वो सब चीजें खरीदनी है, थोड़ी सी सॉक्स खरीदनी है। अच्छा, तो उस दिन ली थी मैंने, बट अभी थोड़ा सा कुछ और लेना है, तो अभी मार्केट जा रहे हैं लाजपत नगर। देखो, शादी तो किसी और के, पैसे हमारे लगने हैं, ठीक है? हाँ। और ये तुमने सर्कस वाला क्या पहन लिया? इसमें से कौन कूदेगा बीच में से? तुम ही कूद पाओगे, तुम्हें ट्रेंड किया मैंने। गुड मॉर्निंग रिधा। गुड मॉर्निंग, आई एम वाचिंग। यू वाचिंग फोन? चलो वॉच इट फॉर 5 मिनट्स। गुड मॉर्निंग राहुल सेठी। गार्डनिंग हो रही थी, दादू सेठी आए हुए थे ऊपर, कुछ गार्डनिंग कर रहे थे। और ठीक ठाक लंच हो गया? हाँ, चलो बढ़िया बढ़िया। चावल बैंगन और रोटी। और तेरी ये सारे निशान आ रहे हैं इसमें, और ये स्टार्ट नहीं हो रही है। सो अब धक्का मारवाएंगे सर हमसे, अब क्या धक्का मारेंगे और फिर ये वाली गाड़ी आगे करेंगे। सो पहले सिमर ने करी गाड़ी आगे, और मतलब मैंने करी गाड़ी आगे, अब सिमर करी गाड़ी पीछे, और रिधा उसकी हेल्प करा रही है। रिधा इतनी एक्साइटेड है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ी खराब हो गई है। हालत देखो इसकी क्या हो रही है। अरे भाई जा बड़ी पड़ गया। कर देगा इन्होंने भी। सर राहुल तुमने बताया नहीं, मैं भी मैरून पहन लेती, तुम दोनों ने मैरून पहना हुआ है यार। ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮਲੂਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾਲ ਹੈ, ਲਾਲ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਘਟਿਆ ਜੋਕ ਤੇ ਮਾਰਦੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਫਿਰ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਫ ਹੈ, ਜਸਟ ਟੂ ਲੈਟ ਯੂ नो गाइस, ਸ਼ੀਸ਼ਾਸ ਆਰ ਕਲੀਨ। और निकलते ही कांड हो गया भाई, पता नहीं अब कितना नुकसान हुआ है हमारा। तो पता नहीं क्या चल रहा है यार, एक चीज होती नहीं है दूसरे पैसे पहले लगने लग जाते हैं। ये चल रहा है भाई, मेरे दिमाग में कोई बात आ रही थी। हाँ यार, मेरे साथ ना बड़ा मजाक सा हो गया। अब उस दिन मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो मैंने वहाँ पे अपना वेट किया और मैंने उनसे पूछा मशीन ठीक है, उन्होंने बोला हाँ ठीक है। तो मेरा वेट आया वहाँ पे ना 56 में, बड़ी खुश। मैंने कहा यार मेरा वेट लूज हो गया, मैं बड़ी खुश हो रखी थी। हमारी ना मशीन नहीं मिल रही थी बड़े दिनों से, काली वाली एक मशीन, और आज रिदा लेके आई और मैं उस पर चढ़ी। क्यों ढूंढी बेटा? और वो मैंने ढूंढी और क्या हुआ, फिर मैंने सोचा चूका फोन ढूंढना, उनको देना था वापस, और मामा को कैलपोल चाहिए थी, मैंने बिना एक्सपायरी डेट की कैलपोल दी थी, कोई पैसे भी नहीं लगे। मूवी जॉक्स बोल रही थी ये। तो हाँ, मैंने घर पे आज इसने मुझे वेइंग मशीन दी रिदा ने, और मैंने उस पर चढ़ी। मेरा वेट वही जो 60 किलो था वही निकला है। ऐसे कैसे कम हो जाना था भाई? ना तो नहीं यार, भाग नहीं रही, मतलब मैं मेरे को खुद को पता है कि मैं खाना कम खा रही हूँ। हाँ। तो ऐसे नहीं कि जानबूझ के खा रही हूँ, बट आई डोंट नो, खाया ही नहीं जा रहा खाना वाना, तो वो था। बट चलो यार, नो कॉमेंट्स। तो मैंने कहा था ना शीशे साफ हो रखे है, ये देखो चमक रहे हैं शीशे सूरज की तरह। और ये आदमी भी मैंने करे अपने हाथों से। अच्छा, सीढ़ी साहब जा रहे हैं पैसे निकालने थोड़े शॉपिंग के लिए। ये बार्गेनिंग वाला मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार, यहाँ पे स्टाफ ना। अरे चलो यार, इसको तो मैंने सिखाई है, खैर इसको आपकी नहीं थी, बट करा दो फिर खरीदवा दो। बहुत महंगा बता रहा है यार, सब कुछ बहुत महंगा हो गया। पोपट पोपट हो रहा है आज हमारा, दिन ऐसा चढ़ा है। क्यों? आज मंडे है, मार्केट बंद है और हम मार्केट में आ गए हैं। टाइम बाद आ रही हूँ क्या? क्यों सब कुछ महंगा बता रहे हैं भाई? सब चीजों में भाई मार्केट बंद है, तो आज कुछ रेट अलग है। चलो कितना बता रहे हैं? 350 का बोल रहे हैं, 350 का ये एक पैकेट। चलो बेटा चलो, रिदा को खाना है। रिदा मास्क ऊपर कर लो बच्चा, मास्क ऊपर। रिदा को क्या खाना है? आ जाओ, रिदा का फेवरेट है यार ये कॉर्न। एक बटर कॉर्न बना दो भाई, मिर्ची बिल्कुल नहीं, बच्चे के लिए है। रिदा थोड़ा सा दूर रहो, स्टीम है। मैं तो ठीक ही बोलता हूँ बेटा, रिधा के कॉर्न बन रहे हैं। किस किस को सकते हैं भाई ये वाले कॉर्न, बताना कमेंट करके। तो भाई मास्क आ गए हैं, स्टॉकिंग्स आ गई हैं, एक पैर मुझे ये वाली स्टॉकिंग जैसे वाली चाहिए थी, लेगिंग्स ये मिली हैं और बाकी अभी आगे देखते हैं। लेडीज आप पहुंच गए हैं डोलमा आंटी के पास मोमोज खाने के लिए। अब यहाँ पे मोमोज चलेंगे, इनके होते टेस्टी हैं बड़े लिस्टी से होते हैं ना। ये है मोमो और ये है चोमो। थैंक यू जी। सो गाइस एज यू नो वी आर एट लाजपत नगर। सेठ साहब हैज ऑर्डर्ड फॉर अ कोल्ड कॉफी। नाक बह रहे हैं, कोल्ड कॉफी पीनी है। जनता देखो ऐसे छोले भटूरे और ये सब कड़ी चावल 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए 20 रुपए। मैं यहीं पे बिजनेस शुरू कर, है ना? मेरा तो कैफे खोलने का मन हो रहा है ना भाई। पैसा तो पड़ा है, पता है ऐसे उठाने वाले होने चाहिए। हमारे पास नहीं पड़ा लगाने के लिए, मैंने भी फेंका है वो 100 रुपए का नोट, मैंने इसलिए बोला पैसा पड़ा है। बहुत अच्छी बनी है। मैंने बोला आज तक इससे अच्छी कोल्ड कॉफी नहीं मिली, ये बोल रहा, बट मुझे ऐसा लगा, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मीठा लगा। नहीं बहुत अच्छी है। गाइस जनता एक्सप्रेस लाजपत नगर में कोल्ड कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करिएगा, यहाँ की बहुत ही अच्छी है, अमेजिंग। देखो सीधी सब्सक्राइब करा दिया। नहीं भैया ने पूछा आप YouTube में डालते हो, मैंने कहा हाँ, कह रहे कौन से वाले में, तो मैंने कहा दिखा देता, ये भैया सब्सक्राइब। ये रिधा के पजामा ढूंढ रहे हैं हम। सिमर जान पहचान निकालते हुए, नहीं जान पहचान नहीं, उनकी लैंग्वेज वैसे है ना पहाड़ी। बस कर पहुँच गए हैं राम लड्डू वाले भैया के पास। आई एम गोइंग टू ईट राम लड्डू नाउ। ये भैया ने कैसे चटनी ऐसे ठोक के भर दी है। हाँ तुम्हारे को देख के, तुम्हारी जिंदगी में रस नहीं है ना। वेरी नाइस। इसको दे दो एक सूखा, दे दो सूखा, दे दो ये लो। फीडबैक क्या है? हमारे घर के पास जो हमने दिखाए थे एक बार, वो ज़्यादा भैया वाले वो ज़्यादा अच्छे हैं। ये भैया ऐसे हैं, उनको भूख नहीं लगी, ये जो शॉप पर बोला क्या बेच रहे हैं, जैसे एक छोटी रहती है, तो भैया लस्सी बेच रहे हैं। हेल्दी तो खा सकते हैं ना। राहुल शर्म करो यार, इतना खाने के बाद तुम बोल रहे हो हेल्दी खा सकते हैं। क्या मैंने क्या गलत खाया? मोमोज खाए हैं, दैट्स वेरी हेल्दी। मैदा तो ये हमारी रिधा के लिए फेवरेट दुकान है चप्पलों की, और यहाँ अच्छे मिल जाती हैं बेलीज वेलीज ना। आज मुझे लग रहा नहीं मिल रही। जब तारीफ कर दो तब नहीं मिलती। कुछ समझ आ रहा नहीं आ रहा, यहाँ से दिख नहीं रहा। बाकी कुछ और दिखा दें तो अलग बात है। मास्क 10 रुपये वाला और उसे चेन पंजाब निकली 50 रुपए। ये है किफायती बीवियाँ, देखना बीमारी का भी मजाक बना के रखता है ना। फैशन नहीं खत्म होता। अब एक बड़ी शॉप पे आए हम क्योंकि वहाँ मिल नहीं रहा है, रिधा के लिए कोई शूज़ मिले नहीं है और भाई थक रहे हैं बस। कैसे आप लोग पूरे पूरे दिन मार्केट में रह लेते हो यार? नहीं है मैं मतलब ब्लैक आई डोंट वांट पिंक में दिस पिंक इज पिंक। लाजपत नगर आए और ये पार्क पापड़ नहीं खाए, बस हो गया खत्म हो। तुम्हारा ट्रिप अधूरा है। पापड़ खा के चाय नहीं पी यार। मार्केट में मैं हमेशा चाय पीती हूँ, यहाँ पे आके इन्होंने कॉफी पी ली है, पापड़ खा लिए है, भुट्टा खा लिया है। अब हम फिर से चार्ज हो गए हैं सामान लेने के लिए। अब देखो क्या करेंगे। अरे तो अपने बच्चों की दुकान पे आके ऐसी हो गई है पूरी, इतना सामान मिल रहा है। बाहर यही पजामी नहीं ऐसी तो नहीं है, लेकिन सेम तरीके की पजामी 150 रुपये या 500 रुपये। हाँ बट क्वालिटी यार ले लिया बहुत सारा सामान। और सीजन का पहला बेर भी खा लिया है। मुझे और रिधा को बेर बहुत पसंद है तो हमें बेर मिल गए और मैंने खरीद लिए और हमने खा लिए। वो मोटे मोटे बेर आ गए हैं। रिधा ने निकाल रखे मेरे को पीछे। रिधा अभी आई वॉश इट फॉर यू। तो बस अभी निकल गए हैं यार, घर की तरफ जा रहे हैं और फिर पहुँचते हैं चाय पीते हैं। फिर मार्केट में चाय नहीं मिली, अदरवाइज व्हेनेवर आई कम टू एनी मार्केट्स लाइक दिस सो मैं पीती हूँ चाय हमेशा, बट आज मिली नहीं। घर आ गए थे यार और मम्मा और पापा के लिए लड्डू लाए थे, वो खा लिए। सॉरी शूट करना भूल गया हूँ। सिमर और रिधा है इस रूम में। सिमर खा रही है खाना, उसने चाय भी बना दी थी तो शी इज हैविंग फूड। कैसी बनी चाय? अच्छा ऐसे बोल देते हैं ब्लॉग के लिए कि हाँ अच्छी बनी है। पीनी मतलब सब कुछ सच से बताने की जरूरत नहीं है। और मेरे को हो गया तगड़े वाला जुकाम भाई, बहुत ज़्यादा। तो मेरी रेमेडी जो है ना यार जुकाम की, मुझे फ़्लाइट पे एक बार किसी जूनियर क्रू ने बहुत अच्छी चीज़ बताई थी। तो उसने बताया था गरम नींबू पानी बना लो, मतलब गरम पानी में नींबू नमक और पेपर डाल लो और उसे पियो। और मेरे को बहुत जल्दी फ़र्क पड़ जाता है तो बस वही बनाने जा रहा हूँ मैं आज। पानी हो रहा है गरम और फिर उसके बाद वो पीऊँगा एक गिलास और फिर देखते हैं कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ये देखो गाइस पापा को क्या मिला। आज का व्लॉग देख के ना ढूंढ के कुछ ले आए हैं। वो क्या लाए हो पापा? भैया ये तो तुम शेफ बन रहे हो, बड़े डिमांड भी आ रही है शेफ के वो बनाने की, फूड चैनल खोलने की। हाँ। तो भैया ये मेरे ख्याल तो बेस्ट है, आप ये पहन के जैसे मैं दिखाता हूँ। सो गाइस ये सिमर का एप्रन होता था जेट एयरवेज में। हाँ हम भी पहन सकते हैं। और भी है, अच्छा लग रहा है। एक दो और भी है, रेट्रो सा लग रहा है एकदम। कपड़े खराब नहीं होते। येलो कलर का मैं पहनूंगा ये तो। हाँ, कपड़े खराब नहीं होंगे ये तो। छींटे उठती हैं कभी बार। हाँ। और वो कपड़े खराब नहीं होते तो अच्छी बात है। ठीक है जी, अगली बार ये आपको मैं अगली बार किचन में ये पहन के दिखूंगा जी। ये पापा टांग दो किचन में। बिल्कुल ओके। तो यार सीढ़ी साहब की तबीयत हो गई है खराब, इज गॉट रियली बैड कोल्ड। और राहुल की सर्दियों में एक बार ही तो सीजन में ऐसी वाली तबीयत होती है जब यू नो वेयर ही इज थोड़ा सा, मतलब 5-7 दिन के लिए गया हूं मैं। और the worst part is he doesn't take medicine for this। यार इसकी ना मेडिसिन नॉर्मल होम रेमेडी करते रहेंगे। और नहीं इसकी ना मेडिसिन लेनी नहीं चाहिए जहाँ तक मैंने सुना। दूसरी चीज़ थैंक यू सो मच गाइस, कल की वीडियो पे हमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि फूड चैनल खोल लो। और प्रज्ञा गॉट दी एग्जैक्ट क्वेश्चन आई वुड से। मैंने हमारा क्वेश्चन था कि कब तक कराओगे, तो प्रज्ञा ने कहा अपने मैसेज में कि गाइज जल्दी से दिसंबर में कराना है इनका। और कीप शेयरिंग एंड कीप लविंग। तो क्वेश्चन सबने लिखा, मैसेजेस सबने लिखे, लेकिन प्रज्ञा गॉट द राइट थिंग कि भैया कब तक हमने कराना है। अब आपने कराना है, मैंने नहीं करना, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ। अब आपने कराना है तो आपने शेयर करनी है। सो गाइज सारे वैसे आंसर्स यही थे दिसंबर या जनवरी तक। तो चलो आपको 15 जनवरी तक का टाइम सेट हो गया। हम भी पूरी मेहनत करते हैं, एक ज़्यादा वीडियोस भी बनाने की कोशिश करते हैं और एक सरप्राइज रखते हैं कि अगर 15 जनवरी तक आ जाता है 1 लाख सब्सक्राइबर तो हमारा दूसरा फूड चैनल हम खोल लेंगे। ठीक है। और और अगर थोड़ा लेट भी हो गया तो कोई बात नहीं, 15 जनवरी को फिर भी खोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले भी खोल सकते हैं, बट अगर हमें लग रहा होगा कि पेस हाँ स्टार्ट हो गई है। और फूड चैनल एज इन कुकिंग चैनल, देखो फूड चैनल एज एन हमारा होगा कि हम अपनी रेसिपीज भी डाला करेंगे। और हम जैसे घूमते हैं तो हम में यही हम हैं, हम नहीं है इसमें। हाँ मैं ही तो मैं जो कुकिंग करूंगा वो भी दिखा दिया करूंगा, वो डिशेस भी बना लिया करेंगे। और जब बाहर जाया करेंगे तो हम दूसरी जगहों पे आपको खा के बताएंगे किधर अच्छा है और किधर खाना चाहिए। अब जैसे हम ट्रैवल करते ही हैं तो हम जगहों के इसमें हम होंगे इसमें हम होंगे। हाँ। और बनाने वाले में हम ना होंगे। ठीक है। सो गाइस गॉट माय पॉइंट। तो कर दो फिर फटाफट। 2.5 मिनट हो गए भाई, रुक भी जाए करो, इनकी ट्रेन शुरू होती है रुकती नहीं है। अभी रिदा होती तो 3-3.5 मिनट की होती है। ओके गाइस बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। भगवान आप सबको सुखी रखे, हेल्दी रखे, खुश रखे, अपने घर वालों के पास रखे। Blessed always. Take care. Bye. Stay safe, guys. Keep subscribing. I fall behind every time that you're around, and it's a lie.